वट इज एची? ये एची क्या होता है यार? देखो मुझसे मत पूछो एची क्या होता है, जब तुम इसे खुद देखोगे तब पता चल जाएगा कि एची का मतलब क्या होता है और कहाँ देखनी है। सब्र करो यार, थोड़ा सा सब्र करो, बताने वाला हूँ कहाँ देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाई स्कूल ऑफ द डेड एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 12 एपिसोड और एक ओवीए है। वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। वो 16 मिनट का है, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट है। मैडहाउस स्टूडियो ने इस एनिमे सीरीज को क्रिएट किया है। एनिमेशन की बात करूं या ना करूं, छोड़ो यार, इसकी एनिमेशन के हम लास्ट में बात करेंगे, अभी इसकी कहानी पे फोकस करते हैं। देखो जापान में अचानक से एक वायरस फैल जाता है। हमने बहुत सारी मूवीज या बहुत सारी सीरीज में ऐसा देखा भी हुआ होगा कि एक वायरस आता है जिससे लोग जोम्बी बन जाते हैं। वो जोम्बी जो वो किसी स्वस्थ इंसान को काटेगा, या मतलब काटने से ही वो दूसरा इंसान जो स्वस्थ इंसान होता है वो भी जोम्बी बन जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन बावजूद सेम कॉन्सेप्ट होने के, इस सीरीज के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया गया। और मैं कह रहा हूँ कि बावजूद सेम कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी हमें ये सीरीज अट्रैक्ट करती है। अब देखो अट्रैक्ट करती है इसका मतलब कुछ और मत ले जाना, तुम सोचो कि वो एची वाले सीन की वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। नहीं, वास्तव में इसकी जो स्टोरी लाइन, मतलब जो तुमने पता ही है कि यार जोम्बी की जो कहानी होती है वो सेम हम देखते आ रहे हैं, बावजूद इसके कि वो चीज़ें चल रही हैं, जो इसमें एक्शन, जो एनिमेशन, जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई, उससे हमें काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलता है इस सीरीज से। तो एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब वो इन जोम्बीज से लड़ पाते हैं और जैसे तैसे अपने आप को बचा पाते हैं। और इन जो बचे हुए स्टूडेंट्स में से एक लड़का है तकासी, जो एक लड़की से प्यार करते हैं रे मियामातो से, और ये लड़की इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। ऑब्वियसली यही होता है ना, एक लड़की है तकाकी और उसके साथ है हिरानो, एक स्कूल डॉक्टर सिजुका मारिकावा, और एक तलवारबाज होती है साइको बुसुजामा। आई थिंक मैंने सही से नाम लिया हुआ इसका। और जैसे तैसे ये अपने आप को स्कूल में बचा लेते हैं तो ये बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जिस शहर में ये वायरस फैला, वैसे फैला तो पूरी दुनिया के अंदर ही होता है, बट जिस शहर में ये है उससे निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब इतने सारे जो एनिमे करेक्टर है, इन एनिमे करेक्टर में से मुझे एक करेक्टर जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है हिरानो का। यार इस मोटू को तुम एक बंदूक पकड़ा दो और बस इसका कमाल देखो, ये बड़े बड़ों तक पानी पिला देगा। और जैसे ही इसके पास गन आती है यार, इसके हाव भाव, बोलने का तरीका, देखने का तरीका, सब कुछ चेंज आते हैं, मतलब एकदम से इंप्रेशन इसका भारी हो जाता है। बाकी के करेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। साइको का जो करेक्टर इसके अंदर जो तलवारबाज है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। वैसे एक बात बताता हूं, देखो मैंने गूगल के ऊपर एची का मतलब सर्च किया था, बट नेट ना चलने के कारण मुझे उसका मतलब नहीं पता चला। वैसे मैंने आज तक कभी एची नाम से कोई सीरीज देखी नहीं, मतलब एची नाम से के मतलब कोई जिसमें एची का जोनर डाला जाता है, मैंने कभी वो देखा नहीं है। मतलब मैंने नहीं देखा है यार, तो मैं बहुत शरीफ हूँ, मतलब मैंने, मुझे नहीं पता है ची क्या होता है, तो मैंने नहीं देखा, मुझ पे शक मत करना, ठीक है। बट इस सीरीज के अंदर मुझे एक सीन काफी ज्यादा पसंद आया, जिसमें ताकाशी जो वो गन चला रहा होता है, और जो गन उसने चलाने के लिए जहां पर मतलब समझो, मतलब जहां उसने गन रखी थी ना, वो मतलब वो जो उसने कोशिश की, काफी अच्छी कोशिश की, मुझे उसकी मेहनत काफी ज्यादा पसंद आई। उसने बहुत अच्छी गन चलाई, और बट क्या करते हैं ना कि वो उसका निशाना चुक गया, मतलब किसी पे लगा नहीं, बट बावजूद इसके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तकाशी ने जो मेहनत की, पहली बार जो गन चलाई, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार। अब ओवरऑल सभी करेक्टर तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक जो करेक्टर है सिजुका, मैं नोबिता वाले सिजुका की बात नहीं कर रहा हूँ यार, कब बार बार उससे बाहर निकलो तुम लोग, मैं इस एनिमे सीरीज के सिजुका की बात कर रहा हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आया इसको क्यों रखा गया, क्यों रखा गया यार वास्तव में, मतलब क्या जरूरत थी, मतलब जरूरत क्या थी, कोई जरूरत भी नहीं थी यार वैसे देखा जाए तो। हाँ थी भी थोड़ी बहुत, बट जरूरत नहीं थी। आपको ये इंग्लिश में डब मिल जाएगी। अब देखो काफी सारे सोच रहे होंगे यार हिंदी में डब नहीं मिलती, यार नहीं मिलती, तुम्हें देखने को मिल रहा है वही बहुत है। अब देखो इसके सेकंड सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट सीजन जो आया था वो 2010 में आया था, और जैसे ये सीजन 2010 में आया ये आते ही हिट हो गया, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा, और तब से लोग स्पेकुलेशन लगाने लगे कि इसका सेकंड सीजन अब आएगा, तब आएगा, कब आएगा, जब ये सारी चीजें जो है वो रूमर के अंदर फैलने लग गई थी। बट एक्चुअल में जो ये मांगा के ऊपर आधारित थी, जिस राइटर ने जो मांगा लिखी थी, और वो राइटर क्या होता है कि 2017 में उनका देहांत हो जाता है, तो वो जो मांगा है वो अनफिनिश्ड रह जाती है। अब नहीं पता कि कौन आएगा, कौन उसको पूरी करेगा। इवन अभी जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि 2021 के लास्ट में या 2022 के अर्ली में आ जाएगी। देखो मुझे ब्लेम मत करना अगर वो ना आए तो वहां पर। अब इसके एनिमेशन की बात करूं तो कमाल की एनिमेशन है, काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। और एक बार मतलब यार तुम्हें रियलिस्टिक सा महसूस हो जाएगा जब इसकी एनिमेशन देखने लगोगे तब। तो अगर तुम उसे पूछना चाहते हो इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो मैं कहूँ यार देख लो यार, काफी अच्छी है, मतलब एंजॉय करोगे तुम लोग,
कुछ हटके भी देखना चाहिए। मेरी तरफ से मैं यही राय देना चाहूंगा, मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा इसको 8 out of 10 स्टार। अगर तुम 18 साल से ऊपर हो तो भाई साहब तभी देखना, बाकी मत ही देखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 18 साल से नीचे हो, 18 साल से ऊपर के तुम देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब समझ गए हो, मैं मतलब इनडायरेक्टली तुम लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी अगर किसी ने सीरीज देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं यही कहूंगी 18 साल से ऊपर हो तो प्लीज इसे जाकर देख सकते हो, अगर नहीं तो यार आपकी इच्छा है। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ओए टीटू चल, तकासी वाला सीन फिर से लगा, मुझे सीखना है यार उसने गन कैसे चलाई है।